फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसका मीनिंग करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या अजम्पशंस हैं और क्या क्या इसके एक्सेप्शंस हैं वो हम स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड। तो डिमांड क्या होती है? व्हेनेवर डिज़ायर फॉर एनीथिंग इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर दैट थिंग, इट फ्लोज आउट इन द फॉर्म ऑफ एन इफेक्टिव डिमांड। सो हमारी डिमांड बेसिकली तीन एलिमेंट्स इंक्लूड है इसके अंदर। फर्स्ट की हमारी डिज़ायर क्या है, ठीक है, देन हमारी एबिलिटी टू पे कि हमारे पास उतना मनी है कि नहीं, कि है कि हम अपने उस डिज़ायर को फुलफिल कर सकें, एंड देन विलिंगनेस टू पे कि हम उस जो भी हमारी कमोडिटी है, जिस भी जो भी हमारी डिज़ायर है उसको पे करने के लिए हम विलिंग है या नहीं। सो इसके बाद हमारा आता है द लॉ ऑफ डिमांड। तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमारा बेसिकली क्या कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड प्रोवाइडेड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इट मींस दैट देर विल बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और बाकी भी जो हमने फैक्टर पढ़े थे इस लास्ट वीडियो में। सो लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और जो बाकी के अफेक्ट जो बाकी के फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो सारे हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं कि जो बाकी की भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, मतलब उनके अंदर कोई वेरिएशंस नहीं आ रही, कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं हो रही, वो सारी क्या है, कॉन्स्टेंट हैं, और हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों का रिलेशन आपस में देख रहे हैं। सो जो बाकी के फैक्टर्स हैं ये हमारे आएंगे डिमांड फंक्शन में, कि आगे डिमांड फंक्शन भी हमारा दो टाइप में होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये सारे डिटेल में करा चुकी हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना, वहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लॉ ऑफ डिमांड में हमारा क्या है, व्हेन द प्राइस गोज अप तो क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, एंड व्हेन द प्राइस गोज डाउन क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। यानी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है तो पहले वाली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक तरह से हमारा इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स एज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो यहाँ पे हमारी टेबल बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस, प्राइस हमारा 1 था वो कितनी क्वांटिटी थी हमारी 10, उसके बाद प्राइस हमारा 2 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी होगी 5, यानी प्राइस 1 से 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी 10 से 5 होगी यानी डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है, और तब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं, हम ग्राफिकली तो प्रेजेंट करते हैं, तो वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पे शो करते हैं क्वांटिटी, और तब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म को, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी डिमांड कर्व बनेगा इसमें जो डिमांड कर्व की स्लोप्स बनेंगी वो डाउनवर्ड बनेंगी, क्योंकि जो हम किस चीज़ का रिलेशन शो कर रहे हैं ग्राफ में, प्राइस और क्वांटिटी का, और उनका क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके बाद हमारा आएगा अजम्पशंस, हम क्या क्या लेके चलते हैं इसके अंदर। तो हमारी यहाँ पे अजम्पशन होती है कि जो भी कंज्यूमर की इनकम है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रही, यानी इनके अंदर ये बिल्कुल क्या है, कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। देर इज़ अ नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, रिलेटेड गुड्स यानी हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, नो चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो जितने भी हमारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को, प्राइस को छोड़ के बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा। सो ये थी हमारी लॉ ऑफ डिमांड। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। तो एक्सेप्शंस क्या कहती हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो देर आर सम गुड्स इन केस ऑफ विच द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट होल्ड गुड। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, देन इग्नोरेंस, देन गिफ्ट गुड्स। तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, तो ये जो है हमारा
ये डिस्कस किया था प्रोफेसर वाबलन ने। उन्होंने बोला था कि कुछ गुड्स होती है जो स्टेटस सिंबल के लिए होती है, तो वो क्या है कि जैसे उनका प्राइस ज़्यादा होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा डिमांड की जाती है, लाइक डायमंड हो गया, हमारी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स होगी। तो यहाँ पे जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है फॉलो नहीं होता, ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता। इसके बाद सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा, सेकेंड पॉइंट है हमारा इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या कहता है कि कंज्यूमर कई बार उस चीज़ को कमोडिटी मतलब बाय कर लेता है जिसका एक्चुअल में प्राइस ज़्यादा होता है, बट एक्चुअल में प्राइस ज़्यादा होता है बट वो समझते हैं कि ये लेस है, ठीक है, और इसका उल्टा होता है। बट मतलब ये है, इग्नोरेंस का मतलब ये है, कई बार हम सस्ती चीज़ों को ये समझ लेते हैं कि ये लो क्वालिटी की होगी। अगर हमें दो चीज़ें दिखाएंगे, अगर हमें एक वही चीज़ 50 की बोल दे और वही चीज़ दूसरी हमें 100 में बोल दे, तो हमें ये लगेगा कि अगर ये 100 की है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। सो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं मतलब उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ सस्ती भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया कि कंज्यूमर का इग्नोरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। समटाइम्स आउट ऑफ इग्नोरेंस अ कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस एक्चुअली हैज़ गोन अप एंड मे बाय लेस इवन इफ देयर प्राइस इज़ इन फैक्ट गोन डाउन, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स हमारी क्या कहती है, ये दी थी प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन ने, उनका नाम था रॉबर्ट गिफिन, इसीलिए इन्होंने इसका जो नाम भी क्या रखा, गिफिन गुड्स, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो हाईली इन्फीरियर गुड्स हैं तो वहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी रियल इनकम डिक्रीज होगी और उसके बाद हमारी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हुई, एक तरह से पॉजिटिव रिलेशनशिप इन्होंने शो किया। और जैसे हमारा प्राइस डाउन होगा तो हमारी रियल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हम इन्फीरियर गुड्स क्यों खरीदेंगे, फिर हम नॉर्मल गुड्स खरीदेंगे, लग्जरीज खरीदेंगे, है ना। तो वहाँ पर फिर हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। तो व्हेन देयर प्राइस फॉल, परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, जो हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं, वो राइज होगी एंड ही बाय लेस ऑफ इट एंड यूज इज एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू बाई सुपीरियर गुड्स। और जब प्राइस हाई हो जाएंगे तो फिर उसकी रियल इनकम कम हो जाएगी, तो वो सुपीरियर गुड्स को बाई नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो बेसिक नीड्स है पहले वो परचेज करेगा, तो वहाँ पर फिर उसको इन्फीरियर गुड्स परचेज करनी पड़ती है। सो ये था हमारा यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप। सो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हर केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड बिकम्स इनफेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे।